So we are going to talking about today is a perfect binary tree. So what is perfect binary tree? That's all the labels should be completely free. That is you can say this is a perfect binary tree. So मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास we have to the nodes here एंड ये हमारे पास एक नोड्स है, इसके थ्रू हमने टू नोड्स को क्रिएट किया रूट नोड से एंड दैट इज द टू नोड्स इज हियर एंड आई एम गोइंग टू आल्सो क्रिएट अ वन मोर नोड दैट इज द थर्ड लेवल सेकंड लेवल आई एम गोइंग टू डू. सो यहाँ पर जीरोथ लेवल पर वन नोड होगा, फर्स्ट लेवल पर टू नोड्स पॉसिबिलिटी है जो कि कम्प्लीटली बाई एंट्री हमने बताया था आपको, और यहाँ पर हमारे सेकेंड लेवल पर फोर नोड अवेलेबल है. राइट, सो अवेलेबल इज हियर इज द फोर नोड्स लाइक दिस वन टू दिस पोजिशन. सो ये कम्प्लीटली फिल होना चाहिए. अगर नोड ऐसा नहीं हो सके, मान लीजिए कि आपके पास ये टू नोड्स आपने क्रिएट किया बाय एंट्री में, बट हियर इज यू आर गोइंग टू द राइट वन नोड्स, दिस इज नॉट अ परफेक्ट. परफेक्ट बाय एंट्री मीन्स योर ऑल लेबल शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड अप, दैट इज योर परफेक्ट बाय एंट्री. सो उसका एवरी लेवल पर सारे नोड फिलअप होना चाहिए. That is a no any left and empty. That will be say this is a perfect binary tree. तो ये हमारा perfect binary tree नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे nodes fill up नहीं है level में. अब ये कौन सा level है, ये zeroth level है, ये one level है. तो two second level पर कितने node चाहिए, four node चाहिए, जबकि यहाँ पर one node है. तो ये क्या बोलता है perfect binary tree, कि जिस भी level पर आप हैं उस level पर सारे node fill up होने चाहिए, मतलब completely filled up होने चाहिए. No nothing will be the left. तो ये ऐसी यहाँ पर टू नोड्स पॉसिबिलिटी भी फिल हो गई है, यहाँ पर भी टू नोड्स. तो टोटल सेकेंड लेवल पर हमारे पास फोर नोड की पॉसिबिलिटी है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है. लेकिन अगर इसी ट्री को अगर ऐसे हम कर दें एक नोड और ऐड कर दें, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, इट विल बी द कम्प्लीट बाइनरी ट्री. अभी जो ये नोड है इसको हम बोलेंगे कम्प्लीट बाइनरी ट्री. ये जो हमारा ट्री है कम्प्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन ये जो ट्री है हमारा ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है. Are you getting to this point? So I hope you are to the point of the understand. So perfect binary tree means what? That is the maximum number of nodes on the label should be completely filled up. Either not two or the other. Everything should be completed. There is a perfect binary tree. I hope everybody is getting to this point. Thank you for watching this session.